हाय फ्रेंड्स, तो चलो हम जा रहे सब। यहाँ थोड़ा गांव में प्रॉब्लम हो गया है, तो पूना में क्षेत्रीय कार्यालय में जा रहे वाले, वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो हम उधर ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आपको मैं बताती हूँ आगे जाने पे। तो चलो अभी हम जाएंगे कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको कि हम सब लेडीज मिलकर क्यों उतने धूप में उधर निकले हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ पे कि क्या होने वाला है। गाँव में के सभी लेडीज आने वाले हैं, तो मैं भी चली हूँ। चलो कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय में जाना है हमको, तो पूरे लेडीज आने लगे। हम तो राजेंद्र सावे जो सर है हमारे यहाँ के, उनके दरवाजे में बैठ गए और धीरे धीरे लोग आने चालू हो गए। पहले तो दो टेम्पो भर के गए थे, 15 किसी में 17 लोग बैठे थे, उनको वो टेम्पो चला गया। बाद में और दो टेम्पो लेके आए। लेडीज़ फिर भी इतनी आ रही थी कि बैठने के लिए जगह नहीं था, इसलिए चार टेम्पो हो गया। चार टेम्पो लेके हम क्षेत्रीय कार्यालय में गए थे। चार टेम्पो में लेडीज़ बैठ गए, लेकिन हमको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने निकाली कार। कार में हम चले गए। फिर कार में जाने के बाद वहाँ पे पहले ही बहुत सारे लेडीज़ थे, तो ये देखो और एक टेम्पो बुलाया, क्योंकि लेडीज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ आ रहे थे। उनको मालूम है कि पानी का प्रॉब्लम कितना डेंजर रहता है, उसकी वजह से सब लेडीज़ घर छोड़ के, आज काम छोड़ के दिन भर हम क्षेत्रीय कार्यालय में थे। और हमारी मांगे तो अभी पूरी होने वाली है, क्योंकि हम उनसे अच्छे से बात करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो सामने दो टेम्पो है, वो एक पहले भर के गए, दो अलग है, अभी ये दो भर रहे, ऐसे चार टेम्पो है। तो ये सब लोग जाएंगे वहाँ पे, 100-150 लोग रहेंगे। अपनी पूरा जो बस्ती है ये मांजरी नगर, यहाँ के पूरे लोग उधर रहेंगे मोर्चे में। तो हमारा ये मोर्चा सुबह से अभी शाम तक चालू रहेगा, देखेंगे क्या होता है। ये टाके बिठाई हुई है हमारे वहाँ पे, उसमें पानी डालते हैं कॉर्पोरेशन का। तो हम चल रहे हैं जल्दी से, रोहित में शिवानी में कार में ही बैठ गए।
घासावं लागतंय. आता ते हाच सगळ्यात एकदम दुर्दैवी विषय आहे की आपला पाण्याचा मुद्दा आहे. पाणी आपण काय म्हणतो आपल्या याच्यामध्ये, कोणाला मरताना काय असं ना आपण म्हणतो दोन घोट पाणी मिळायला पाहिजे. इथं तर जिवंत माणसं आहेत आणि त्यांना पाण्यासाठी असं आंदोलन करावं लागतंय. मला वाटतं हीच मुळामध्ये शोकांतिक आहे. आपण सगळं महानगरपालिकेला कर भरतो, इंजेक्शन केलं तर आजारावरती बिल जातं, एखाद्याला ऍडमिट केलं तर काय बघायलाच नको, घरच झोपतं. एवढी वाईट अवस्था यांनी करून ठेवलेत का आपल्या पोरांसाठी चांगल्या? शाळा सुद्धा खाजगीमध्ये जाऊन तिथं मारपीट करायची, मग चालवायचं. बहुत देर तक हम बाहर बैठे, बाद में हमको ऊपर से बुलावा आया, मतलब जो बड़े अधिकारी रहते हैं कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय के, उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाओ, आपकी क्या मांगे हमें बताओ. तो हमने बोला ठीक है. तो गिन के हमको 5-6 लोगों को अंदर लिया गया, बाकी सब लेडीज़ तो गेट के बाहर ही थे. हम गए ऊपर, तो हमारे साथ लेडीज़ कॉन्स्टेबल भी बहुत ज़्यादा थे और पुलिस भी थे, जेंट्स लोग भी थे. तो ऐसे 10-15 पुलिस थे हमारे साइड से पूरा बराबर ध्यान रखने के लिए. तो अब हम जाएंगे, ये देखो 3rd फ्लोर पे है जो कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय के जो मेन अधिकारी है वो 3rd फ्लोर पे है. तो हम जाने लगे तो लिफ्ट में क्या हुआ, लिमिटेड लोग बैठते तो लिफ्ट आवाज़ करने लगी. तो मैंने सोचा कि इनको जाने दो, मैं जीना है उससे जाएंगे. तो कुछ लोग हम मिलके जीने से ऊपर गए. पानी की वजह से बहुत सारा टेंशन होता है पूरे लेडीज़ लोगों को, इसलिए 100-150 लेडीज़ अभी बाहर निकले घर से, क्योंकि लेडीज़ लोगों को ज़्यादा पानी लगता है, उनको पता है पानी कितनी ज़रूरत चीज़ है, मतलब ज़रूरत की. तो इसकी वजह से सब लेडीज़ आ गए अभी. तो चलो अभी हम करेंगे बड़े अधिकारी से बात, देखेंगे क्या बोलते हैं वो, बाद में जो होगा देखा जाएगा. तो हम पहले अभी अधिकारी के पास जाएंगे. पानी का जो प्रॉब्लम है लेडीज़ लोगों को सब पता रहता है, क्योंकि लेडीज़ लोग घर पे काम करती है, उनको मालूम है कि बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, धोना धोने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए. तो पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर महिला बाहर आएगी घर में से अभी आंदोलन के लिए. तो फ्रेंड्स लोग हम गए थे कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय में पुणे में, क्योंकि अपने गाँव में पानी नहीं आता है और अभी धूप चालू है तो पानी बहुत लगता है घर पर और पानी नहीं आता है अपने यहाँ पे नल पे. तो हम गए क्षेत्रीय कार्यालय, वहाँ पे जाके बड़े साहब को मिला. फिर बड़े साहब ने हमको प्रॉमिस किया है कि अपने वहाँ पे डेली टैंकर आएगा, पानी डालेगा, बड़ी बड़ी टाँकियाँ हैं वो भर के जाएगा और अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा मैं, ऐसे बोला है उन्होंने. और जो हॉस्पिटल का भी था कार्ड, वो भी शहरी गरीब योजना का कार्ड, वो भी अभी मिल जाएगा, वो भी हमने बात कर ली. तो सब बातें हो गई बराबर. तो
तो हैप्पी लगा कि अच्छा हुआ पानी की जो समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, तो हैप्पी एंडिंग हो गई और हम आ गए घर पे।